लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब हुआ जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आए, मैग्नेटिक फील्ड भी आए, दोनों आ जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के तीन पार्ट हो गए। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब रुका हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट की कंडीशन में होता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकेंड पार्ट आता है वो मैग्नेटिज्म आता है। मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और कैसे मूव करता है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से। इलेक्ट्रॉन जब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे तो उसको हम लोग मैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब तीसरा जो इसका पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो तीसरा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, वो वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कीजिए एक्स एक्सिस में है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में होगी, और जो वेव चलेगी वो जेड एक्सिस में मूव करेगी। तो जिसमें तीनों एक्सिस आ जाते हैं उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। एक एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, सेकेंड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, थर्ड एक्सिस में इसका मोशन होगा। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जब जनरेट कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताना चाह रहे हैं कि यदि हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, NaCl की, तो ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। ये आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो 2, 8 और 1 आता है, और क्लोरीन का जब कॉन्फिगरेशन करते हैं तो 2, 8 और 7 आता है। यदि यहां से सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे क्लोरीन को, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्लोरीन को, तो सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.8। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो जहां पर 7 इलेक्ट्रॉन हैं वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, और इलेक्ट्रॉनिक 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.8.2 हो जाएगा। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस पर जो हम चार्ज लिखेंगे +1e, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज +1e, और यहां पर निगेटिव चार्ज आ गया तो -1e। जो अभी तक जितने भी आवेशित कणों की खोज हुई है, सबसे कम आवेश किस पर पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया गया है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का, ये 1 है और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का चार्ज यहां सोडियम एटम पर जनरेट हो रहा है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन पर जो चार्ज है -1e, -1e की वैल्यू ये रही, मल्टीप्लाई करने के बाद 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो यहां देखते हैं कि सोडियम के पास +1e चार्ज जनरेट हो गया और क्लोरीन के पास -1e चार्ज जनरेट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश यहां पर पैदा हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, जहां 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश कैसे जनरेट होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, 2.8.2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 2.6। अब यहां से मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन के पास। तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ऑक्सीजन के पास, तो मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज लगेगा डबल प्लस का लगेगा, अब ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए 2.8। अब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जहां पर 6 इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या हो जाएंगे, 8। इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो डबल प्लस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो डबल माइनस,
डबल प्लस का मतलब प्लस टू ई, डबल माइनस का मतलब माइनस टू ई। ये आपका दो है, e की वैल्यू 1.6 इनटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 3.2 इनटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब इस ऑक्सीजन में देखें तो माइनस 2e, माइनस 2 e की वैल्यू 1.6 इनटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 3.2 इनटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज जनरेट हो गया। देख रहे हैं यहां सोडियम क्लोराइड से प्लस 1e और माइनस 1e का चार्ज जनरेट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से देख रहे हैं तो प्लस 2e और माइनस 2e का चार्ज जनरेट होता है। ऐसे ही बहुत सारे एटम है चार्ज जनरेट होता जाता है, तो प्लस 1e, प्लस 2e, प्लस 3, इसको आगे बढ़ाते जाएं तो प्लस Ne का चार्ज जनरेट होगा। अब ऐसे ही माइनस में देखें तो प्लस 1e, माइनस 2e, माइनस 1e, माइनस 2e, माइनस 3 आगे बढ़ाते जाते हैं तो माइनस Ne का चार्ज जनरेट होता है। नेट चार्ज की बात करें तो हम Ne चार्ज यहां है, Ne चार्ज यहां है, तो Q इक्वल टू जो फार्मूला बना Q इक्वल टू Ne, वेयर Q इज द चार्ज, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के समझने के लिए थोड़ी कुछ चीजें आपको समझनी होंगी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो पता चलता है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इनटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। ऐसे ही हम बात करते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इनटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज प्रोटॉन पर होता है। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन इज अ चार्जलेस पार्टिकल। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का पार्टिकल है, इसका मास होता है 9.1 इनटू 10 पावर माइनस 31 केजी का चार्ज होता है। ऐसे ही मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 इनटू 10 पावर माइनस 27 केजी का मास होता है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो इसका भी मास प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है, इसका मास 1.6 इनटू 10 पावर माइनस 27 केजी ही किया जाता है। हालांकि न्यूट्रॉन का जो मास है वह प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा अधिक होता है, लेकिन ये वैल्यू बहुत छोटी है इसलिए हम इतने से ही काम चल जाएगा, हमारा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर, तो ये लाइट चार्ज पार्टिकल है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, इनको हम सजातीय आवेश कह सकते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस ये लाइट चार्ज पार्टिकल हैं। इन लाइट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। यहां पर अनलाइट चार्ज पार्टिकल है, ये प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, ये अनलाइट चार्ज पार्टिकल, या इसको कह सकते हो विजाती आवेश, प्लस माइनस विजाती, माइनस प्लस विजाती, अनलाइट चार्ज पार्टिकल है, इनमें क्या होगा अट्रैक्शन, आकर्षण का बल कार्य करेगा। आप लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में सुना होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक न्यूट्रल पार्टिकल ये है और दूसरा न्यूट्रल पार्टिकल ये है, अब इस पार्टिकल से 10 इलेक्ट्रॉन हम मूव कर दें इस पार्टिकल के पास, पहले इस पर कोई चार्ज नहीं था, इस पर भी कोई चार्ज नहीं था, अब क्या हुआ यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पहुंच गए। जब यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पहुंच जाएंगे तो इस पर जो चार्ज जनरेट होगा वो प्लस 10e का चार्ज जनरेट होगा, इसने 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, इस पर जो चार्ज होगा वो माइनस 10e का चार्ज जनरेट होगा। कभी भी जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो एक कंप्लीट नंबर के फॉर्म में निकलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऐसे कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, या 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल जाए ऐसा भी कभी संभव नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चार इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो जो चार्ज होगा वो एक कंप्लीट नंबर के फॉर्म में होगा।
तो प्लस यहां पर जो चार्ज जनरेट होगा प्लस 10 ई, यहां पर जो चार्ज जनरेट होगा वो माइनस 10 ई का चार्ज जनरेट होगा। ये कब जनरेट होगा? जैसे ये न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल से 10 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल करके इसको दे दिए, तो इस पर 10 ई का चार्ज जनरेट होगा प्लस में, और इस पर जो चार्ज जनरेट होगा माइनस 10 ई का। अब हम आपको बता दें कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पार्टिकल का मास डिक्रीज होगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां जा रहे हैं तो इस पार्टिकल का मास इंक्रीज होगा। तो देख रहे हैं इस पार्टिकल का मास कम हो जाएगा और इस पार्टिकल का मास इंक्रीज कर जाएगा। हम मूव किसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए हैं तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे इसलिए मास यहां कम हो जाएगा, और यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो ये मास बढ़ जाएगा। हम ये बताना चाहते हैं जो चार्ज होता है वो 1e के फॉर्म में होता है, 2e के फॉर्म में होता है, 3e के फॉर्म में होता है, 4e के फॉर्म में होता है। तो इस पर प्लस में चार्ज रहेगा, इसमें प्लस में चार्ज रहेगा, इसमें प्लस में चार्ज रहेगा, इसमें प्लस में। अब ये ले रहा है तो इस पे माइनस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। तो चार्ज जनरेट होता है प्लस माइनस 1e, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, प्लस माइनस 4e। इसको हम q इक्वल टू लिख देते हैं me, where m is the number of electron। इलेक्ट्रॉन e is the चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन q is the चार्ज, चार्ज जी आपका। एक फार्मूला हो गया q equal to n, ये आपका एक बेसिक फार्मूला आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आया।